आपने आम भगत समाज में यह बात तो जरूर सुनी ही होगी कि श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी का चीर बढ़ाया, परंतु सवाल ये उठता है कि श्री कृष्ण जी ने सिर्फ द्रौपदी का ही क्यों चीर बढ़ाया, उसकी ही इज्जत की रक्षा क्यों की, जबकि आज के समय में न जाने कितनी बहनों की इज्जत लूटी जाती है, उनके साथ दुष्कर्म किया जाता है। उनमें से कोई राम को पूजने वाली होती है, कोई कृष्ण को, कोई माता को अपनी रक्षक मानती है, तो कोई शंकर जी को, यानी किसी न किसी भक्ति साधना में लगी ही होती है, तो फिर उनकी रक्षा क्यों नहीं होती, उनके लिए भगवान क्यों नहीं आते। हम रोज खबरों में ये कहीं ना कहीं पढ़ते और सुनते हैं कि किसी महिला या बच्ची बहन के साथ दुष्कर्म हुआ, तो क्या फिर द्रौपदी की इज्जत रक्षा वाली बात झूठी है, या भगवान झूठे हैं, या फिर हमारी भक्ति साधना झूठी है? क्या आपके मन में भी यह सवाल कभी उठा है? अगर हाँ तो जरा धैर्य के साथ इस वीडियो को पूरा देखें। आज इस बात का आपको स्टिक प्रमाण मिलेगा कि द्रौपदी का चीर किसने बढ़ाया, क्यों बढ़ाया, और आज के समय में बाकी महिलाओं की रक्षा क्यों नहीं होती। तो चलिए आज इस बात का खुलासा कर ही देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं द्रौपदी के चीर बढ़ाने की। तो हाँ, ये बात 100% सत्य है कि द्रौपदी का चीर बड़ा था, उसकी इज्जत की रक्षा भगवान ने की थी, परंतु वो भगवान श्री कृष्ण जी ने नहीं की। वह तो रुक्मणी के साथ अपने महल में शतरंज खेल रहे थे। सत्य तो यह है कि द्रौपदी का चीर पूर्ण भगवान यानी पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी ने बढ़ाया था, क्योंकि जब द्रौपदी का विवाह नहीं हुआ था तो उस समय उसने एक अंधे साधु महात्मा को अपनी महंगी साड़ी में से एक कपड़े का टुकड़ा फाड़कर लंगोट के रूप में पर्दे के लिए दिया था, क्योंकि साधु महात्मा का कपड़ा पानी में कहीं बह गया था। तब उस साधु महात्मा ने द्रौपदी को आशीर्वाद देते हुए कहा था कि जैसे तुमने मेरी इज्जत की रक्षा की है, इस प्रकार परमात्मा तेरी इज्जत की रक्षा करेगा। तो उस आशीर्वाद के फल स्वरूप कबीर परमात्मा ने द्रौपदी का चीर बढ़ाया था, चाहे वह भक्ति किसी की भी करती थी, क्योंकि वह साधु महात्मा कोई और नहीं, स्वयं कबीर साहिब जी ही थे जो एक लीला कर रहे थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि आने वाले समय में द्रौपदी पर एक बहुत भारी संकट आने वाला है। द्रौपदी ने किसी समय कबीर साहिब की शरण ग्रहण की थी, तो उसी के परिणाम स्वरूप कबीर साहिब अपने भगत की रक्षा करने के लिए सौ छल छिद्र करते ही हैं। अब रही बात आज के समय महिलाओं की इज्जत रक्षा न होने के कारण, तो उसका यही कारण है कि उनकी भक्ति शास्त्रों के अनुसार नहीं है। वह मनमाना आचरण करते हैं जिससे उनकी रक्षा नहीं हो पाती। यदि हमें परमात्मा से वैसी ही प्रोटेक्शन चाहिए जैसी द्रौपदी को मिली थी, तो हमें शास्त्रों के अनुसार भक्ति करनी ही होगी, जो आज के समय में केवल संत रामपाल जी महाराज जी ही अपने सत्संगों में बताते हैं। अध्यात्म की ऐसी ही सत्य जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।